इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट नो क्वेश्चंस आस्क्ड इन लास्ट 5 ईयर. मतलब ये जो दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स है, पिछले 5 वर्षों में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब. जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स परीक्षा या जिसे लोकप्रिय भाषा में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, उसमें सीसेट के पेपर को लेकर जो कुछ ब्लंडर्स हुए थे, जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं कोर्ट में, उससे आप सभी परिचित हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि 13 जुलाई को कैट में जो सुनवाई हुई थी उसके बाद 20 जुलाई की तिथि सुनिश्चित करी गई थी सुनवाई की. तो आज 20 जुलाई है और कैट से जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जो पेटिशनर है, ठीक है, पेटिशनर के जो पक्ष रख रहे हैं पेटिशनर का, वो सलमान खुर्शीद सर रख रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं साकेत जैन और उमेश सिंह सर. और आज जो कैट में सुनवाई हुई दोनों पक्षों को सुनने के बाद कैट ने ऑर्डर क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है. और ऐसा बताया जा रहा है जो भी एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा कि बहुत अधिक संभावना है कि कल, क्योंकि मेंस की परीक्षा के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ, तो कल ये जो है ऑर्डर रिलीज किया जा सकता है. और एक अच्छी चीज ये है कि जो कैट है वो अभ्यर्थियों के जो तर्क थे उनसे सहमत होती हुई दिख रही है, इसलिए उम्मीद लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ जो है कि रिलैक्सेशन मिल सकते हैं. ठीक है, चलिए एक और इसी से संबंधित बात है, 23% जो सीसेट के कट ऑफ से संबंधित बात है. यहाँ आप ओम बिड़ला को देख रहे होंगे और ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि तमाम लाखों अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे हैं सीसेट का कट ऑफ इस बार के लिए कम करवाने के लिए. हालांकि कट ऑफ कम करने का यूपीएससी के द्वारा ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी किसी दूसरे परीक्षा में शायद 2019 में कट ऑफ को थोड़ा कम किया गया था, ठीक है, शायद सीडीएस की परीक्षा के लिए. चलिए तो ये देख रहे हैं और इसमें ओम बिड़ला जी ने जो है कि छात्र जो प्रतिनिधि मंडल है इनको इन्होंने आश्वासन दिया कि कोई सकारात्मक जो है कदम उठाया जाएगा सरकार के द्वारा. और जो चार्टर्स ऑफ डिमांड है, चार्टर्स ऑफ डिमांड क्या है, जो हम मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो अरे भैया क्या हो रहा है, इसको कट जाएगा ना. तो ये जो चार्टर्स ऑफ डिमांड है, ये जो प्रतिनिधि मंडल है इन छात्रों का, इन्होंने कुछ मांग अपनी रखी हुई है. ठीक है, ये पब्लिक के सामने भी ये मांग लेके आ रहे हैं और सरकार से भी, सरकार के लेवल पे भी मांग कर रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्टर ऑफ डिमांड है. इसके बाद हम लोग इसी में सीसेट का जो टफनेस है उसके बारे में भी देखेंगे कि अगर आप 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस वे में सीसेट की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उसके टफनेस है, क्या क्या आपको फायदा है, क्या क्या आपके आपके लिए नुकसानदायक है. ठीक है, तो चलिए अब 2023 सीसेट अनफेयर सीसेट 23 की जो मांगे हैं हम देख सकते हैं. सीसेट कट ऑफ कम करना है, आप देखिए 2024 के बाद से सीसेट को हटाया जाए, 2024 के बाद से सीसेट को हटाया जाए, इनकी ये मांग है. महामारी प्रतिपूर्ति प्रयास प्रदान करा जाए, मतलब जो कोविड के कारण जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो तैयार नहीं थे, तमाम विषम परिस्थितियां थी उसके बाद भी परीक्षा लिया गया, तो ये जो कोविड के कारण जो क्षति हुआ है अभ्यर्थियों को उसको जो है कि प्रतिपूर्ति उसकी करी जाए. जीएस पेपर 1 2023 के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. उत्तर कुंजी और स्कैन की गई ओएमआर सीट जारी हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर कुंजी है और स्कैन की गई ओएमआर सीट है परीक्षा के ये 7 दिनों के भीतर जारी हो. दिनों की जो अवधि है थोड़ी बढ़ भी सकती है, आप 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोगों की या किसी भी राज्य में भी, तो परीक्षा के बाद जो है कुछ ही दिन के बाद उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाता है. अब इसमें क्या होता है कि आप 1.25 साल के बाद आप उत्तर कुंजी जारी करेंगे, तब अभ्यर्थी को पता चलेगा कि किस सेक्शन में गलती के कारण उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और बस उसी के जो है 10-15 दिन के बाद फिर से वापस से प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाता है, अगले प्रीलिम्स का एग्जाम, तो वो 10-15 दिन में कैसे अपना सुधार कर सकता है. ठीक है,
और उसके साथ ही साथ कि आयु की गणना की तिथि में परिवर्तन हो, आयु की गणना की जो तिथि है उसमें परिवर्तन हो, जो बेस डेट माना जाता है उसमें परिवर्तन करने की बात करी जा रही है, और जो लेटरल एंट्री से जो सीधी नियुक्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यह भी मांग करी जा रही है कि आप लेटरल एंट्री ठीक है आप कर रहे हैं लेटरल एंट्री आप करिए, यह सरकार का अपना जो है कि पक्ष है, सरकार का अपना निर्णय है, हम सरकार के निर्णय के साथ हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के जो लाभ हैं, अभ्यर्थियों के जो हित हैं, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। ये इनका क्या है, ये है इन जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, ये अनफेयर सीसेट 23 नाम का ये ग्रुप है, और इसी ग्रुप ने सिद्धार्थ मिश्रा के नाम से ये पेटिशन दायर किया है, उनकी ये मांग है, और इसी मांग के साथ ये किससे मिले हैं, इसी मांग के साथ ये मिले हैं ओम बिड़ला जी के साथ मिले हैं ठीक है, तमाम बड़े नेताओं के साथ भी मिल रहे हैं ये लोग, तो ओम बिड़ला जी ने इसमें आश्वासन दिया। अब हम आते हैं, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, 2024 के लिए, ठीक है, तो ये जो टफनेस है सीसेट का, जो टफनेस है सीसेट पेपर को, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, इससे क्या होगी, आपके तैयारी में क्या होगी, मदद मिलेगी। देखिए, अब हम सीसेट के सिलेबस को अगर हम देखें, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहते हैं, ठीक है, अब देखिए, चलिए, कॉम्प्रिहेंशन है, अगर हम देखें पहला पॉइंट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक। अब देखिए, इस बार ये 2023, ये जो है 2023 के ही संदर्भ नहीं, बल्कि अगले पिछले भी वर्षों में ये क्या है, बिल्कुल इसका जो आंसर रहा है ये उनके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड रहा है, मतलब आपके हिसाब से आंसर दूसरा हो सकता है और कमीशन के हिसाब से आंसर दूसरा हो सकता है, और दोनों ही आंसर सही रहेंगे, ठीक है, दोनों ही आंसर सही रहेंगे, लेकिन जब आपको परीक्षा पास करना है तो जाहिर सी बात है कि आपके आंसर को आयोग के आंसर से मेल करना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद अब हुआ क्या कि ये तो अब इंटरप्रिटेशन से बेस्ड हो गया, कि अब आयोग क्या मानती है, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब वो बचता है जो सेक्शन बचता है, मैथ और रीजनिंग का सेक्शन बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि और जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं सिलेबस में, जो और टॉपिक्स दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, तो अब बचता है मैथ बचता है और रीजनिंग बचता है, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और आप आसानी से क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन हमने किया है, ये आंसर दिया है, तो ये आंसर गलत है या सही है, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए अब आप मैथ और रीजनिंग पर रिलाई करते हैं। अब देखिए, दूसरा जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलमोस्ट नो क्वेश्चन asked in last 5 years, मतलब ये जो दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, पिछले 5 वर्षों में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो भैया ये सिलेबस में फिर है ही क्यों, मतलब आपने जब एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पे क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो किसी भी सिविल सेवक के लिए जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा ले रहे हैं तो सभी लेवल पे लीजिए ना, आप केवल मैथ और रीजनिंग के लेवल पे क्यों ले रहे हैं, आप सभी लेवल पे लीजिए, दोनों लेवल पे लीजिए, क्योंकि ये भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट का एक घटक है, ये भी तो एक मानक है, ये भी तो तय करेगा कि आप में वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने पिछले पांच वर्षों में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल जो है एबिलिटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में पूछा गया था, केवल डिसीजन मेकिंग से जो क्वेश्चन आए हुए थे या प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ऐसे क्वेश्चन केवल 2013 में पूछे गए थे, वो भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपके पास 2013 का पेपर ना हो तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी के, और सेट ए में 75 से लेकर 80 तक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2014 से लेकर 2022 तक। क्यों नहीं पूछा गया 2014 से लेकर 2022 तक, सॉरी 2023 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्यों नहीं पूछा गया भाई, इसका भी तो बराबर डिसीजन मेकिंग, ये जब आपने सिलेबस में ये पॉइंट दे रखा है और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आप ले रहे हैं, तो ये भी तो एक मानक है अभ्यर्थी के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने का, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पे आते हैं, जो 5वां पॉइंट है आपके सिलेबस में, ठीक है।
अच्छा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें जो कुछ बात है, कुछ इसमें भी पॉइंट है, ये हम लोग अभी देखेंगे, छठे पॉइंट के साथ देखेंगे। चलिए अब देखिए जो छठा पॉइंट है, बेसिक न्यूमेरेसी। अब बेसिक न्यूमेरेसी में सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर्स एंड देयर रिलेशंस ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इटीसी, ये कितने लेवल का होगा, क्लास 10th के लेवल का होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आएगा, चार्ट्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, टेबल्स आएंगे, डाटा सफिशियंसी एटसेट्रा, ये सब भी क्लास 10th के लेवल के आएंगे। अब देखिए यहां पे आते हैं, यह क्या है, मेन सेक्शन है, कौन सा, बेसिक न्यूमेरेसी का जो सेक्शन है, मतलब डिसाइडिंग सेक्शन है, मेन सेक्शन है, जो कि डिफरेंट क्रिएट करता है किनमें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट में। देखिए किसी से भी, किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हम ना तो किसी के पक्ष में हैं ना तो किसी के विपक्ष में हैं, हम बस ये कह रहे हैं, या अभ्यर्थी, हम का मतलब यहाँ पे अभ्यर्थियों से है, अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि आप अपने सिलेबस को फॉलो करिए, जो सिलेबस में आपने दिया है आप वहां से क्वेश्चन पूछिए, कोई किसी को भी कोई समस्या नहीं है, शुरुआत में भी किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक से जब ऐसा परिवर्तन होने लगा तो निश्चित तौर से कुछ किसी एक जो है बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो इसीलिए ये मांग करी जा रही है। अब देखिए ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को के लिए ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हर साल दर साल। अब देखिए यूपीएससी क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन से, बेसिक न्यूमेरेसी के सेक्शन से हर साल क्वेश्चंस बढ़ाती चली जा रही है, बाकी के सेक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल या तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन बिकॉज इट फेवर्स टेक्निकल स्टूडेंट, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए वो कठिन होगा, कठिन होगा तो वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और कुछ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जब स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जाहिर तौर पे फायदा मिलेगा। अब देखिए इसी समय हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए बार ग्राफ्स के क्वेश्चन हो गए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन 2018 के बाद बिल्कुल पूछे ही नहीं गए, बार ग्राफ के क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन 2018 के बाद बिल्कुल नहीं पूछे गए, जो अब ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो ये थोड़ा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सहज होता था और वो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते थे जिससे कोई समस्या नहीं होती थी, ठीक। अब देखिए 2018 के बाद पूछे नहीं गए, 2019 से 22 तक के लिए, 22 में अगर हम देखें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किससे, टेबल मेकिंग से, बार ग्राफ या फिगर बेस्ड क्वेश्चन 2019 से 2022 तक। अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं 2022 में अचानक से, कब हुआ पहली बार, 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, और ये जो टॉपिक है क्लास 11th 12th में है, क्लास 11th 12th में है, और आपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, 10th क्लास आपने अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है 10th लेवल का। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2022 में अचानक से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्लास 11th 12th के, और निश्चित तौर पे अगर कुछ स्टूडेंट, आप जैसा कि आप जानते हैं 10th के बाद उनको अपना स्ट्रीम चेंज करना होता है, अगर वो निश्चित तौर पे अगर वो सक्षम होते तो वो टेक्निकल जो है कि आगे पीसीएम लेते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते या बायो वगैरह लेते, ठीक है, तो ये निश्चित तौर पे टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में सीधे 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए, पहले धीरे धीरे बढ़ रहे थे 2019 से 2020 2021 में, 2022 में सीधे 8 क्वेश्चन पूछ दिए, और 2023 में 10 से 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। अब आप सोचिए 10 से 11 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, और जो है आप आईआईटी से सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कैट से सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कैट के पेपर से, अगर आप या तो सिलेबस में मेंशन कर दीजिए कि हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, जिनके पास ऐसी मेंटल एबिलिटी है
वो ही इस पेपर में बैठे, अन्यथा बाकी लोग दूसरे नौकरियों की तैयारी करें, दूसरे सर्विसेज की तैयारी करें, या तो आप अपने सिलेबस को फॉलो करिए। ठीक, तो जिनको अगर आप मेंशन करेंगे, जिनको करना होगा उसके बाद वो करेंगे, वो फेल होंगे, फिर भी वो आपके सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने सिलेबस में मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, अब देखिए 2023 में जो 8 से 10 क्वेश्चन बेसिक न्यूमेरेसी के पूछे जाते थे मेंटल एबिलिटी के, वो अचानक से क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। 2023 में वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इसके पहले 2019 से 22 तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए इसलिए भी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। पहले तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आप अपने सिलेबस को, खुद के सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी स्टूडेंट को कठिनाइयां हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे सिलोगिज्म वगैरह हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस के जैसे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन होते थे, क्लॉक वगैरह के जो क्वेश्चन होते थे, कैलेंडर वगैरह क्वेश्चन होते थे, ये इस बार बिल्कुल नहीं पूछा गया था। ठीक है, और जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का हिस्सा है, एप्टीट्यूड टेस्ट का हिस्सा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखिए सर, आप देख लीजिए, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के साथ साथ ये जो एनालिसिस किया गया है इसको भी देखिए, आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है आप ये भी देखिए। ठीक, तो बेसिक तौर पे ये वाला जो सेक्शन था, जो सीसेट का ये एनालिसिस किया गया, ये केवल इसलिए किया गया कि अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम इस बात से, इस फैक्ट से अवेयर रहिए कि आपको कहाँ पे किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, किस चीज को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह के क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जा रहे, तो बिल्कुल उनको आप छोड़ भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से अपने तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।